good morning all of you in today's part we will discuss about the different ways for the peptide synthesis and these different ways are the classical peptide synthesis or you can say the solution peptide synthesis and second one is the merrifield solid sport peptide synthesis आपकी जो क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस है इसके अंदर कुछ लिमिटेशन थी जिसकी वजह से नेक्स्ट सिंथेसिस आई दैट इज द दॉलिड स्पोर्ट पेप्टाइड सिंथेसिस तो अब हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे वन वन बाय तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन द क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से देख लें कि आखिर पेप्टाइड सिंथेसिस का मतलब क्या है पेप्टाइड सिंथेसिस का मतलब है आपके जो डिफरेंट एमिनो एसिड मोलिक्यूल्स का आपस में कंडेंस कर जाना कंबाइन कर जाना वाई द लॉस ऑफ सम साइड प्रोडक्ट कोई साइड प्रोडक्ट भी लॉस हो जाए बाय द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड तो मीन्स द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डाइपेप्टाइड द ट्राइपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड और द प्रोटीन्स बाय द कंडेंसेशन ऑफ डिफरेंट एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स थ्रू देयर

और जिसकी वजह से कार्बन के फाइव बॉन्ड अब नेगेटिव आराम से यहां से रिलीज रिलीज हो जाएगा तो ओवरऑल वाटर लॉस अबेटिव डाइपेप्टाइड बना अब ये जो डाइपेप्टाइड बना ये अब नेक्स्ट थर्ड एसिड मोलिक्यूल के साथ अब फर्दर रिएक्शन चलती है एनएच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो दोबारा से नाइट्रोजन के पास अब नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर फिर से डोनेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने पास लेगा फिर से वाटर मोलिक्यूलॉस एंड सो ऑन सो दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस स्टेप बाय स्टेप ये स्टेप बाई स्टेप चलती है प्लस यहाँ पे परमिटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा होते हैं कि कौन एमिन किस दूसरे एमिन से जुड़ेगा किस एंड से जुड़े क्योंकि इसके दौरान हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कुछ प्रॉब्लम्स थी प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ी थी पेप्टाइड सिंथेसिस में कि ये प्रॉब्लम होती है कि इसके अंदर दो दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं मेरे एसिड एसिड के अंदर वन वन इज इज द द द द अदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप सो रिएक्शन फ्रॉम एनी ऑफ एंड किसी भी एंड से रिएक्शन हो सकती है जब आप डाई पेप्टाइड बनाए तो हो सकता है पहला आपका मान लीजिए हम आर की वैल्यू जैसे मैंने पहले बताया था इसको एच पुट कर दें सेकेंड आर की वैल्यू मान लीजिए मैं यहाँ पे सी एस थ्री पुट कर दूं एल हमने ले

Permutation combination by which the -peptide, -peptide or the उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमने बताया था कि जो दो फंक्शन ग्रुप दोनों में से किसी एक को हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं पहली स्टेप के अंदर या तो हम एनेस्टू को प्रोटेक्ट करते हैं या कार्बोक्सिले हम एनेस्टू ग्रुप को ही प्रोटेक्ट करते हैं उसके बाद हम सी एच ग्रुप को हम रिएक्टिव बनाते हैं क्योंकि सेकंड लिमिटेशन क्या थी इसमें कि जो ये प्रोसेस होती है रिएक्शन जो चलती है ये हाईली एंडोथर्मिक होती है ड्यू टू द लो रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ग्रुप तो COH को हम रिएक्टिविटीएल में कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाए तो दो ही कमियां थी इसकी मेन एक तो नंबर ऑफ आपके प्रोडक्ट बन सकते हैं डिफरेंट परमिटेशन कॉम्बिनेशन होने की वजह से अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी बन जाते हैं जिस सीक्वेंस में, में एसिड को हमें ऐड करना है उस सीक्वेंस के साथ साथ उनके ऐड होने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं तो उसके लिए हम

तो इस टाइप से देखो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हुआ ये आपकी लंबी चेन बन गई पेप्टाइड सिंथेसिस हुआ प्रोटीन्स बन जाते हैं इसी टाइप से अब हम देखेंगे वन बाय वन और डिफरेंट देखो ये जो बॉन्ड बनते हैं सीएनएच इन बॉन्ड्स को आप क्या कहते हैं दीज आरती पेप्टाइड बॉन्ड यही आपके पेप्टाइड बॉन्ड है इन बोन्डो का नाम भी पेप्टाइड बॉन्ड है दीज आरती डिफरेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स अब हम देखेंगे वन बाय वन अपनी डिफरेंट जो वेज द पेप्राइड सिंथेसिस के सो देर आर द डिफरेंट वेज ऑफ द पेप्राइड सिंथेसिस आउट ऑफ दिस डिफरेंट वेज द फर्स्ट वन इज द क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस वो आपका क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस है क्लासिकल पेप्राइड सिंथेसिस आप उसको कह सकते हैं या आप इसको दूसरा नाम भी है इसका सोल्यूशन पेप्टाइड सिंथेसिस भी आप इसे कह सकते हैं सो दीज टू सिंथेसिस अब हम डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले क्लासिकल पेप्राइड सिंथेसिस के अंदर करते क्या है जैसे आपको हमने पहले भी बता दिया था तो इसके अंदर आप क्या करेंगे आपके सीओ एच उनमें से किसी एक को प्रोटेक्ट करना किसी एक को आमतौर पर एनेस्टू ग्रुप को ही प्रोटेक्ट करते हैं और जनरलीस देंसी कार्बोनिलक्लोराइड बी ओसी बोक जिसे हम बोलते बेनजाइल कार्बोनिलक्लोराइड

और सीएल दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा नहीं तो नॉर्मल वैलेंसी कार्बन की नहीं रहेगी पांच बॉन्ड कार्बन के हो जाते तो अब न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी कार्बोन ग्रुप वाले कार्बन और एनएसटू वाले नाइट्रोजन के बीच दैट इज अ न्यू बॉन्ड फॉर्म और ये नया बॉन्ड बन गया एनएस टू ग्रुप को आपने प्रोटेक्ट कर दिया अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या बताया था कि जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसको हमें क्या करना है रिएक्टिव बनाना है इसको हमें क्या करना है बोलो रिएक्टिव कैसे इसको एसिड हेलाइड के अंदर कन्वर्ट करके रिएक्शन किसके साथ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टिव बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द एसिड हेलाइड एसिड क्लोराइड और उसके लिए रिएजेंट यूज्ड आर पीसीएल3 एसओसीएल2 बट द बेस्ट रिएजेंट इज द एसओसीएल2 व्हिच इज द केस ऑफ द डार्जन रिएक्शन बिकॉज ड्यूरिंग यूजिंग of that SOCl2, the side product are the gases. One is the SOCl, SO2 gas, देखो जो यहाँ से release हो जाती है, and other one is the HCl gas, देखो जो HCl यहाँ से इस step से release हो जाएगी. तो दोनों आपकी gases होंगे जो side product आपके निकलेंगे. इसलिए the best reagent is the SOCl2. इसलिए best reagent होगा. तो आपके सीओ एच ग्रुप बोलो में कन्वर्ट कर दिया आपने सीओ सी एल के अंदर मोर रिएक्टिव है ये अब इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें इसके बाद देखो आपने क्या किया अभी तक आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप थे दो में से किसी एक को आपने मास्क कर दिया प्रोटेक्ट कर दिया वो हमने एनएस टू को किया यूजिंग द प्रोटेक्टिंग ग्रुप दैट इज द बोक दैट इज द कार्बोनिल क्लोराइड उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या किया जो सी एच ग्रुप लेस लेस रिएक्टिव उसको मोर रिएक्टिव कन्वर्ट कन्वर्ट में convert कर सीओ सी एल के अंदर कन्वर्ट आपने कर दिया अब हम क्या करेंगे अब रिएक्शन होगी किसके बीच जो उप, जो अभी ऊपर आपका बन चुका है वो कौन है बोलो आपका अब वो प्रोटेक्टेड और एक्टिवेटेड एवेन एसिड ऊपर वाला जो एवेन एसिड है वो कैसा हो चुका आपका प्रोटेक्टेड भी है क्योंकि सीएच ग्रुप को आपने सीओ सी एल में कन्वर्ट कर दिया नाउ द रिएक्शन ऑफ दैट प्रोटेक्टेड एक्टिवेटेड विदर रिक्वायर्ड एमिन एसिड मान लीजिए पहले वाली जो एमिन एसिड थी वो ग्लाइसिन थी आर की वैल्यू मान लीजिए एस थी अब आप एल ए लाइन लगाना चाहते हैं तो दूसरे जो आर है इसकी वैल्यू बोलो क्या होगी मान लीजिए हम यहाँ पे सी एस थ्री लगाना चाहते हैं सी एस थ्री को लेना चाहते हैं पहले वाला मान लीजिए आपका कौन था बोलो ये आपका एच था मान लीजिए हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं अब तो क्या करें कैसे चलेगी अब रिएक्शन इसके बीच वैसे बड़ी सिंपल सी रिएक्शन होगी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि किस टाइप से रिएक्शन चलेगी कि जो नाइट्रोजन एनएच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोबारा से देखो ये नाइट्रोजन अपने पास लिए इस स्टेप से और नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन कार्बन के ऊपर देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और सीएल के ऊपर देखो क्या स्लाइट नेगेटिव चार्ज यहाँ से सीएल निकल गया नया बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन और कार्बोन ग्रुप वाले कार्बन के बीच देखो दैट द न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन देखो ये है जो नया बॉन्ड बन गया और ये आपका पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड बॉन्ड बन बन गया गया बोलो क्या बन गया? आपका पेप्टाइड दो एमिनो एसिड आपस में अभी तक जुड़ चुके हैं दैट इज द डाई पेप्टाइड बन चुका है क्या बन चुका है आपका डाई पेप्टाइड अगर आप फर्दर रिएक्शन चलाना चाहें वो भी आपकी चल जाएगी लेकिन अगर आप चाहते हैं सिर्फ डाई पेप्टाइड बनाना अब आपको डीप्रोटेक्शन करनी होगी देखो इस ग्रुप को यहाँ से हटाना होगा देखो यहाँ से ये बॉन्ड की क्लीवेज करनी होगी कैसे करें यूजिंग दैट डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप दैट इज द एच बी आर ओफ में आप एसिटिक एसिड डाल देंगे उससे एनएसटू ग्रुप की देखो डी प्रोटेक्शन हो जाएगी और हमें मिल गया ये डाई पेप्टाइड देखो ये फ्री मिल गया देखो यहाँ पे एनएसटू ग्रुप हमारे पास देखो फ्री हो गया दोबारा से डाई पेप्टाइड बन गया लेकिन हम चाहते हैं डाई पेप्टाइड नहीं बनाना फर्दर रिएक्शन तो दोबारा से एंड सो ऑन द्वारा से बोलो क्या करें आपके इस एंड के ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्री सी एच ग्रुप है आप इसको सबसे पहले बोलो क्या करेंगे ग्रुप क्योंकि देखो NH2 तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है है ही यहां से कार्बोनिल के द्वारा अगर हमें ट्राई पेप्टाइड बनाना है, तो आप सबसे पहले सी एच ग्रुप की बोलो क्या करेंगे नंबर वन एक्टिवेशन उसके बाद एडिशन ऑफ द नेक्स्ट एमिनो एसिड अगला एमिनो एसिड फिर एड कर देंगे सीओओ पहले किस में कन्वर्ट होगा बोलो देट सीओ गेट कन्वर्टेड इनटू बोलो किस चीज में सीओ के अंदर इसको सबसे पहले

तो मीन्स आप स्टेप बाई स्टेप डिफरेंट एसिड को स्टेप से कंडेंस करते चले जाएंगे तो ये थी आपकी क्लासिकल पेप्राइड सिंथेसिस लेकिन ये प्रोसेस जितनी इजी आपको दिख रही है प्रोसेस इतनी इजी होती नहीं इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ना कमियां वो limitations है, वो limitation अब है क्या देखो वो बताते हैं नाउ देर आर द डिफरेंट लिमिटेशन देर ड्रॉबैक्स ऑफ दैट सिंथेसिस पहली कमी क्या है पहली कमी ये है कि इट इन्वॉल्व क्योंकि देखो स्टेप बाय स्टेप कंडेंसेशन तो चलना ही है तो इट मीन इट इन्वॉल्व स्टेप बाई

आपके अगर आपको बनाना हो यानी सो एमिनो एसिड को जोड़ना मीनस प्रोटीन आपको बनानी है हमने पढ़ा था ना कि जो मोलर मासन थाउजेंड से अगर ज्यादा हो जाए तो आपके वो प्रोटीन्स कहलाते हैं तो मीन्स अगर हमें पोलीपेप्राइड्स बनाने कंटेनिंग ग्रेटर देन वन हंड्रेड एमिन एसिड रेजिड्यूज को हमें आपस में कंडेंस करवाना है तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क ये बहुत ही मुश्किल काम है बोलो ऐसा क्यों वो ऐसा इसलिए बिकॉज इट इज ए वेरी टीडियस कि एक एक करके इसको ऐड करना वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बिकॉज इट रिक्वायर्स सेवरल स्टेप्स आपने देखा ना इसमें डिफरेंट स्टेप्स होती हैं पहले प्रोटेक्शन कर दी प्रोटेक्शन तो चलो कर दी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं एक्टिवेट करना है एक्टिवेट करने के बाद फिर आप क्या करते हैं नाउ द रिएक्शन विद द नेक्स्ट रिक्वायर्ड एमिनो एसिड के साथ अपने रिएक्शन की थी और फिर डाइपेप्टाइड बनता है एंड सो ऑन फिर आपके ट्राइपेप्टाइड एंड सो ऑन ये प्रोसेस चलेगी मींस इट टेक्स सेवरल स्टेप्स तब जाके आपका ये चेन बनती है, वेरी टीडियस एंड द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस फर्दर हमें क्या करना पड़ता है दिखने में आपको ऐसा दिख रहा है कि लेकिन हमें हर स्टेप के बाद क्या करना पड़ता है यहाँ पे कि आइसोलेशन एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ द पेप्टाइड फॉर्मड इज रिक्वायर्ड आफ्टर द ईच स्टेप जब हम पहली स्टेप पहली स्टेप हमारी चली डाइपेप्टाइड बना ऐसा नहीं है कि उसी को प्योरीफाई करते हैं नो उसके बाद अब आप क्या करते हैं डाइपेप्टाइड को लेंगे और उसके अंदर फर्दर फिर अगली स्टेप चलेगी फिर बना फिर उसको फिर आइसोलेट करेंगे फिर प्योरीफाई करेंगे अब उस आइसोलेटेड प्योरिफाइड ट्राइपेप्टाइड लेके फिर वही स्टेप कि आप उसमें सबसे पहले इंस्टू ग्रुप की प्रोटेक्शन फिर सीएच ग्रुप की आपकी एक्टिवेशन उसके बाद नेक्स्ट एमिनो एसिड आप करते हैं एंड सो ऑन इट टेक्स वेरी लॉन्गर टाइम ये वर्क है इजी नहीं है नहीं ये टेक्निक ये इसकी लिमिटेशन कहलाती है इसकी ड्राबैक्स कहलाती है और जैसे कि हम जानते हैं कि टेक्स सेवरल स्टेप्स तो इसकी जो ओवरऑल यील्ड होती है हर स्टेप के ऊपर वो 80 परसेंट ही रहती है जैसे मान लीजिए आपने दो एमिनो एसिड को कंबाइन किया मान लीजिए आपके पास वन एमिनो एसिड है और ये देखो मान लीजिए सेकेंड एमिनो एसिड है और इन दोनों के बीच रिएक्शन चली और मान लीजिए आपके पास बन गया डाई पेप्टाइड देखो डाई पेप्टाइड आपके पास बन गया ये जो डाई पेप्टाइड यहाँ पे बनता है इसकी जो हिल्ड मिली जो पाई गई एक्सपेरिमेंटली वो 80 परसेंट थी इसके बाद डाई पेप्टाइड में आपने नेक्स्ट देखो अगला एम एसिड जब एड किया देखो इस डाइपेप्टाइड को आपने क्या किया इसको उसके बाद अब आपका ट्राई पैप्टाइड वाली जी बन गया जो ट्राइपेप्टाइड देखो आपका बनेगा वो उसकी जो यील्ड होगी वो कितनी होगी 80 परसेंट ऑफ द प्रीवियस वन मीन पहले कितना बना था 80 अब इसका 80 का 80 परसेंट बोलो कितना हो जाएगा दैट इज द 64 परसेंट देखो 64 परसेंट फिर जो ट्राइपेप्टाइड बना आप इसको फिर से दोबारा से आइसोलेट करेंगे प्योरीफाई करेंगे इसमें नेक्स्ट टाइम एसिड डालेंगे और फिर मान लीजिए आपके पास बन गया टेट्रापेप्टाइड देखो टेट्रापेप्टाइड आपने बना लिया जो टेट्रापेप्टाइड बना 64 परसेंट था ना पॉपर तो 64 मल्टीप्लाइड बाय अब इसका 80 लेंगे आप तो अब ये कितना हो गया बताएं फिफ्टी 51... 0.2% तो 51.2% यील्ड होती है टेट्रापेप्टाइड की एंड सो ऑन तो मींस जैसे ही आपकी चेन की लेंथनिंग होगी तो यील्ड बहुत ही कम होनी शुरू हो जाती है हर स्टेप के ऊपर 80% यील्ड होनी होती है प्रीवियस वन की तो हमने यही ऊपर लिखा था कि जो सिंथेसिस है पॉलीपेप्टाइड की ग्रेटर देन 1000 एमिनो एसिड रेसिड्यू इज वेरी डिफिकल्ट टास्क ये कोई इजी टास्क नहीं है क्योंकि टीडीएस मेथड है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है सेवरल स्टेप्स होती हैं और साथ के साथ जो ओवरऑल जो यील्ड है वो भी डिक्रीज होती जा रही है आफ्टर ईच स्टेप वी यील्ड ऑफ द प्रीवियस वन प्रीवियस वन का एटी परसेंट ही हमें मिलती है तो ये थी इसकी डिफरेंट ड्रॉबैक्स मीन लिमिटेशन किस चीज की क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस की इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी अगली टेक्निक जो किस लिए आई

ग्रुप वाले कार्बन और एनएच के बीच में तो मीन आपने प्रोटेक्शन कर दी है आपने ग्रुप को बोलो क्या कर दिया यहाँ पे प्रोटेक्ट अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे जैसे कि नाम है इस टेक्निक का सोलिड स्पोर्ट अब हमें कोई सोलिड स्पोर्ट चाहिए जिसके ऊपर हम इसको अटैच कर देंगे तो सोलिड स्पोर्ट कौन होगा यहाँ पे तो सोलिड स्पोर्ट जो अक्सर हम यूज करते हैं दैट इज अ क्लोरिनेटेड स्टायरिन विच कंटेन द डाई विनाइल बेंजीन थ्रू दीओ एच एंड सी एच एंड के थ्रू हम इसकी प्रोटेक्शन करेंगे देखो जैसे हमने ये यह यहाँ पे लिख दिया अब इसमें देखो हुआ क्या जो आपके जो रिएक्शन चली बोलो किस टाइप से ये रिएक्शन चली यहाँ पे आपके सीओ एच एंड के थ्रू ये रिएक्शन चलेगी बड़ी सिंपल सी रिएक्शन होगी यहाँ पे देखो ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर देखोजन एच बॉन्ड के ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिए इसने ये देखो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर देखो इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज सीएल के ऊपर देखो स्लाइट रेक चार्ज सीएल दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस टाइप से निकल गया और इस टाइप सेल एच सी एल निकल गया देखो ये एच सी एल और फिर नया बॉन्ड बन गया किसके बीच कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन और जो आपका सोलिड स्पोर्ट लिया था इसमें जो सी एस टू सी एल जो ग्रुप आपका लगा हुआ है इसके कार्बन के साथ देखो दैट इज द न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन और इस सोलिड स्पोर्ट के ऊपर आपका जो अटैच हो चुका है कौन आपका प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड आपके अब अटैच हो चुका है किस चीज के ऊपर सोलिड स्पोर्ट के ऊपर कई बार हम ऐसा भी लिख देते हैं कि जो हमने देखो ये जो लाइन दिखाई नहीं देखो ब्लैक कलर से देखो ये दिखाई दैट इज द सोलिड स्पोर्ट और इसका ये पार्ट है देखो आगे जो CS2 हमने दिखा दिया का और रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर है वो इसी के अंदर हाइड्रेड फॉर्म के अंदर हमने रख दी अदरवाइज मैंने बताया ही था जो सोलिड स्पोर्ट है ये क्या है दैट इज अ क्लोरिनेटेड स्टायरीन कंटेनिंग द डायविनाइल बेंजीन अब हम फर्दर रिएक्शन करेंगे इसकी देखो अब हम क्या करें अब हम करेंगे सबसे पहले डी प्रोटेक्शन ऑफ एन एस टू ग्रुप देखो हमने क्या किया सबसे पहले प्रोटेक्ट किया एन टू ग्रुप को बॉक ग्रुप के द्वारा और उसके बाद इसको सोल्ड स्पोर्ट के ऊपर हमने स्टिक करना था इसीलिए प्रोटेक्ट करना पड़ा नहीं तो स्टिकिंग दूसरे एंड के थ्रू भी हो जाती क्योंकि वहां पे एनएसटूक जो ग्रुप था एन टू का क्या हो जाता वहां से एचसीएल वहां से भी लॉस हो सकता था इसलिए हमने उस ग्रुप को मास्क कर दिया एन टू ग्रुप को और सीएच ग्रुप के थ्रू हमने अटैचमेंट दिखा दी उसके बाद हम डिप्रोटेक्शन करेंगे डी प्रोटेक्शन किसकी करेंगे बोलो एनएसटू ग्रुप की तो दोबारा से ये जो पेप्टाइड देखो जो लिंकेज थी देखो ये ये जो एंड है CNS के बीच यहां से होगी हमारे तो अटैच हो चुका है दोबारा से अब हम ऐसा करेंगे फ्री एंड क्योंकि इसका एनएसटू अभी इसके अंदर हम ऐड करेंगे बोलो क्या अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्रोटेक्टेड एमेन एसिड देखो ये प्रोटेक्टेड क्यों क्योंकि देखो ये रहा कार्बोनिल क्लोराइड ये नेक्स्ट एमिन एसिड ये नेक्स्ट एमिनो एसिड है देखो इसमें कार्बन कार्बन के ऊपर ये आर नीचे एच ये सी एच ग्रुप और ये NS, देखो ये NS2 वाला एंड जो कि बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड के थ्रू आपका प्रोटेक्ट हो चुका है सो दैट इज द प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड तो जो जो ऊपर हमारे पास कौन था बोलो जो हमें ऊपर ऑप्टेन हुआ था कौन सोलिड स्पोर्ट के ऊपर एक एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल देखो ये अटैच हो चुका है देखो इस एंड के ऊपर अब इसके अंदर हमने क्या ऐड किया इसके अंदर हमने ऐड किया ये प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड जो प्रोटेक्टेड है थ्रू द एन एसटू एंड अब इनके बीच अब रिएक्शन चलेगी रिएक्शन बोलो कैसे चलेगी रिएक्शन बड़ी सिंपल सी देखो ये एनएच टू एंड है तो क्या होगा ये नाइट्रोजन एनएच बॉन्ड के देखो दोनों इलेक्ट्रो नाइट्रोजन ने अपने पास लिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर देखो स्लाइट नेगेटिव चार्ज अब उसके बाद देखो ये रिएक्शन हुई और नाइट्रोजन अपने पेयर बोलो किसको दिए यहाँ पे कार्बन ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर यहाँ से बोलो कौन निकल जाएगा ओ एच नेगेटिव इसको ऐसे भी आप शो कर सकते हैं कि ऑक्सीजन ने दो बचिव से, लोस हुआ, वहां से एच, फास्ट कौन करता है वो हम लेते हैं डीसीसी बोलो कौन लेते हैं डीसीसी तो डीसीसी क्या करता है इस वाटर को क्या कर लेगा बोलो यहां से ये एब्जोर्व कर लेता है तो जब ये इसको एब्जोर्व करता है तो उस एब्जोर्शन के दौरान आपका जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है वो बनता है आपका यूरिया सब्सटीच्यूटेड यूरिया जिसमें दो दो साइक्लो है हो गया आपके यहां पे? तो इसके बाद ये आपका देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने बना दी यहाँ पे देखो नया बॉन्ड बन गया देखो ये नया बॉन्ड किसके बीच बना देखो ये तो प्रोटेक्टेड वाला देखो ये एच सच है देखो ये आपने देखा देखो ये एंड इतना है इसका सीओ एच देखो अब सीओ एच नहीं है ना यहाँ पे और ये NS2. NS2 कहां से है देखो ऊपर से जो आ गया था देखो ये वाला जो एंड था इसके अंदर से है क्योंकि एच और क्या लॉस हुआ था बोलो वाटर लॉस यहां से हुआ था वाटर कैब्जो किसने किया था डीसी ने और इसके बाद ये आपका नया बॉन्ड बोलो कहां पे बना है दैट इज अ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन देखो ये नया बॉन्ड यहां पे बन गया नया, पे बन गया। नया पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है यहां पे इसके बाद अब नेक्स्ट क्या होगा अब हमारे पास फिर से ऑप्शन है अगर हम ये चाहते हैं ध्यान दें अगर हम ये चाहते हैं कि एक और एम एसिड इसमें ऐड कर दे तो बोलो क्या करेंगे ऊपर वाली स्टेप देखो हमें क्या करना पड़ता है हमें इसकी डी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी देखो पहले यहां से इस ग्रुप को हटाना पड़ेगा तो दैट कॉल्ड द डी प्रोटेक्शन तो हम देखो एच बी आर ऑब्लिक एसिडी कैसे डालेंगे देखो पहली स्टेप हमने लिखा डी प्रोटेक्शन ऑफ द एन एसडी दोबारा से उसके बाद क्या करेंगे बोलो उसके बाद आप दोबारा से ऐड करेंगे बोलो कौन ये नेक्स्ट जो स्टेप है ये कलेक्टिव चलती इकट्ठी फिर क्या डालेंगे बोक प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड एन एनएस टू ग्रुप के थ्रू प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड डाल देंगे सबसे पहले देखो इस ग्रुप को यहां से हटाया देखो इसको हटाया जाएगा एन एस टू में कन्वर्ट हो जाएगा अब इसमें नेक्स्ट एमिनो एसिड डालेंगे जैसे ऊपर डाला था ये बोक प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड और साथ के साथ डीसीसी क्योंकि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा एंड सो ऑन स्टेप बाय स्टेप ऐसे आप लॉन्ग पोली पेप्टाइड चेन को प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप ये चाहते हैं कि हमें और आगे प्रिपेयर नहीं करना हमें सिर्फ ये डाई पेप्टाइड ही बनाना था तो क्या करें तो उसके लिए ये नेक्स्ट स्टेप है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम डिटेचमेंट करेंगे एनहाइड्रस एच डालेंगे विच इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ दैट सोलिड स्पोर्ट ये सोलिड स्पोर्ट देखो यहाँ से एक लिवेज हो जाएगी यहाँ से ये सीएएच ग्रुप फिर से आ जाएगा फ्री बन जाएगा यहाँ पे सीएच तो एनहाइड्रस एच एफ आप डालेंगे यहाँ पे और सेकेंड एच बी आर ओब्लिक में एस एटी कैसे डाल देंगे वो किस लिए देखो इस एंड को प्रोटेक्ट करने के लिए दो काम हुए ना अगर हमें डाइपेपटेड चाहिए तो हमें डाइपेपटेड चाहिए तो हम क्या करेंगे एक तो आपका जो एनस्ट ग्रुप है उसको फ्री करें दूसरा सोलिड स्पोर्ट को भी रिमूव करें तो सोलिड स्पोर्ट को रिमूव करने के लिए डिटेचमेंट करने के लिए डिटेचमेंट ऑफ द सोलिड स्पोर्ट वी विल एट दाइड्रस एच एफ देखो ये एनहाइड्रस एच एफ आप डाल देंगे उसके बाद आप जो ये प्रोटेक्टेड एनेस्ट ग्रुप है इसकी डिप्रोटेक्शन करने के लिए आप क्या डालते हैं बोलो इसको हटाने के लिए आप डालते हैं एच बी आर ओब्लिक में एसिटिक एसिड तो डी हो जाएगी एन एस टू ग्रुप की और देखो ये हमें कौन मिल गया बोलो डाइपेप्टाइड देखो देखो टू ग्रुप देखो हो गया ना यहाँ से फ्री और यहां से देखो कार्बोक्सिलिक एसिड भी फ्री हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड फ्री कैसे हुआ बाय द ऑफ दैट डाइपेप्टाइड फ्रॉम दिटैचमेंट ऑफ्ट्रॉमिड स्पोर्ट स्पोर्ट से फ्री हुआ तब सी एच ग्रुप फ्री हो गया सोलिट हटा दी तो सी एच ग्रुप फ्री और बेन्जायसी कार्बोनिल क्लोराइड वाला देखो ये एंड हटा दिया बो ग्रुप हटा दिया तो टू ग्रुप देखो यहां से फ्री हो गया तो इस स्टेप से हमें डाइपेप्टाइड मिल गया तो दीज आर दी स्टेप्स जो हमें यूज करनी पड़ती हैं एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जब भी हमें रिएक्शन को रोकना है तो ये थी मेरीफील्ड सॉलिड स्पोर्ट पेपराइड सिंथेसिस लेकिन साथ के साथ अब हमें ये ध्यान रखना है कि अब इसके एडवांटेज क्या रही फिर पहले जो क्लासिकल पेपराइड सिंथेसिस थी उसकी तो कुछ डिसएडवांटेज थी आपने देखा था अब इसके एडवांटेज क्या है कि इसके एडवांटेज ये लार्ज नंबर ऑफ ग्रेटर देन 100 हंड्रेड एसिड रेसिड्यूज को कंबाइन करने में क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस को हम यूज नहीं कर सकते थे जनरली उसको हम यूज करते थे फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ओलिगो पैप्टाइड ओलिगोमीन्स वी कैन कंडेंस ओनली द 10 एम एसिड मैक्सिमम ऑफ टेन एम एसिड को ही हम ऐड कर सकते थे क्या थी आइसोलेशन ऑफ दिफिकेशन द्यूरिफिकेशन ऑफ्रेड फॉर्म डॉट रिक्वायर्डर इच स्टेप इन दैट सोलिड स्पोर्ट पेप्रेड सिंथेसिस क्योंकि वो सोलिड स्पोर्ट के ऊपर क्या है आराम से स्टिक है तो इसलिए हमें हर स्टेप के बाद जो भी आपका डाइपेप्टाइड बना जो भी आपका इंटरमीडिएट बना उसको आइसोलेट करने की उसको प्योरिफाई करने की जरूरत नहीं है जो कि एक बड़ा टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग स्टेप थी जो कि क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस के दौरान हमें करना पड़ता था उसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है सो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द आइसोलेशन एंड द प्युरफन ऑफ द पेप्टाइड फॉर्म आफ्टर ईच स्टेप विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द क्लासिकल पेप्राइड सिंथेसिस नेक्स्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ जो टाइम थी वो भी काफी रिड्यूस हो गई है आपकी सोलिड स्पोर्ट सिंथेसिस के दौरान द द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड ड्यूरिंग दैट पेप्टाइड सिंथेसिस नाउ बीन कंसिडरेबली रिड्यूस्ड और साथ के साथ एक चीज और बता दें कि सोलिड स्पोर्ट पेप्टाइड जो सिंथेसिस है इसको ऑटोमेटिकली भी चलाया जा सकता है इसको ऑटोमेशन के अंदर भी रखा जा सकता है कि अपने आप ही जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार अपने आप ही प्रोसेस आपकी चलती रहेगी आप फीड कर देते कंप्यूटराइज सिस्टम के द्वारा आपके जो सॉलिड स्पोर्ट पे प्रेड सिंथेसिस को आजकल चलाया जाता है तो मीन ओवरऑल जो यील्ड है वो भी इसमें एक्सट्रीमली हाई आती है वहां पे तो आपने देखा था क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस में जो फर्स्ट है एंड ऑन मींस यू जो है हर स्टेप के ऊपर आपकी डिक्रीज होती जा रही थी लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है मीन्स ओवरऑल जो यील्ड होगी देखो यील्ड ऐसे स्टेप बाई स्टेप तो डिक्रीज होती है लेकिन उतनी नहीं मींस यहाँ पे ओवरऑल जो यील्ड होगी जो आपका पॉलीपेप्टाइड बनता है उसकी एक्सट्रीमली हाई होगी उट दाइड सिंथेसिस पैप्टाइड सिंथेसिस के जो दो मेन तरीके थे दोनों हमने डिस्कस किए क्लासिकल पेप्टाइडेस भी और सोलिड स्पोर्ट पेप्टाइड सिंथेसिस भी तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक मेथड आपका लगभग एग्जाम के अंदर आना ही होता है प्लस साथ के साथ वन मार्क्स के क्वेश्चन भी काफी बन जाते हैं हर स्टेप देखो जो हर स्टेप है वही आपका वन मार्क्स का क्वेश्चन है यह छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं वट विल है आपसे पूछ ले कैसे प्रोटेक्ट करेंगे को ये पूछ लें या कह दें कि राइट ए रिएक्शन इन बिटवीन द प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड प्रोटेक्टेड ग्लाइसिन नाम बोल दें तो आर की वैल्यू भी आपको फिक्स करनी पड़ सकती है कि प्रोटेक्टेड ग्लाइसिन और वो भी किसके थ्रू एन एच टू ग्रुप प्रोटेक्टेड ग्लाइसिन रिएक्ट विद द नेक्स्ट एमिनो एसिड यूजिंग द सोलिड स्पोर्ट उसको दिखे तो मीन्स आपको सबसे पहले सॉलिड स्पोर्ट को भी यूज करना पड़ेगा सॉलिड स्पोर्ट के ऊपर उसकी अटैचमेंट भी दिखानी पड़ेगी और लास्ट में हमें सिर्फ रिएक्शन दिखानी है ट्राई मान लीजिए आपको डाइपेप्टाइड बनाना है तो उसकी रिमूवल की स्टेप भी दिखानी पड़ेगी मीन एनाच एफ आप डालेंगे तो डिटेचमेंट हो जाएगी सोलिड स्पोर्ट से आपके डाइपेप्ट की और फिर टू ग्रुप की डिप्रोटेक्शन भी आपको दिखानी पड़ेगी एच बी आर ओब्लिक एसिड आप डाल के उसकी क्या करेंगे कार्बोनिल क्लोराइड जो ग्रुप आपका लगा हुआ था उसको आप रिमूव कर सकते हैं मीन्स डिप्रोटेक्शन ऑफ टू ग्रुप की आप कर सकते हैं इस स्टेप से तो मीन्स ये जो जितने भी स्टेप है हर स्टेप को भी अच्छे से क्रिटिकली आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर की मर्जी है वो डायरेक्ट भी दे सकता है और बीच में से इंटरमीडिएट पार्ट भी आपसे पूछ सकता है सो थैंक यू दैट ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेप्टाइड सिंथेसिस थैंक यू